प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स ऑफ साइन 10 इज, अब अप्रोच जो है वो ग्राफिकल पॉइंट पे जाती है. रीजन, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स हमेशा एक्स नहीं देता. जो रेंज है वो हमारे पास में माइनस पाई बाय टू से लेकर प्लस पाई बाय टू के बीच में चल रही होती है. तो अगर आप 10 देखोगे कि साइन इनवर्स ऑफ साइन 10 है, 10 हो जाएगा तो गलत हो गया. ऑप्शन भी दिया हुआ है और ऐसे भी ऑप्शन दिया हुआ है, 10 माइनस 3 पाई, 3 पाई माइनस 10. बेसिक बात बता रहा हूं. बहुत साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का ये ग्राफ होगा और हर दूर ऐसा ही चल रहा होगा. सिर्फ दो ही टाइप की लाइंस हमें मिलती हैं, एक एक्यूट एंगल, एक ऑब्ट्यूज एंगल. आपको ग्राफ में बस ये याद रख लेना है, ये जीरो है, ये पाई है, ये टू पाई है, और टू पाई की कंडीशन से आपका जो फंक्शन है वो रिपीटेशन पे जा रहा है. हर एक ट्राइंगल जो है वो पाई इंटरवल का बन रहा है. ये थ्री पाई है, ये फिर फोर पाई हो जाएगा, ऐसे ही पीछे साइड पे चल रहा है. अब क्या बात है, अब ये है कि जैसे ही हम ये 10 को देखते हैं तो हमें ये देखना पड़ेगा कि 10 जो है रेडियन में इनमें से किस लाइन के हिस्से में जाता है. तो पाई यहां पर रेडियन टर्म में कंसिडर करो 3.14, और जैसे ही हम 10 पे जाते हैं तो बात आती है कि 10 जो है वो 3 पाई से थोड़ा ज्यादा है. ठीक है, एग्जैक्टली 3 पाई के बाद में मेरे पास 3 पाई प्लस पाई बाई टू भी आएगा, बट वो 10 इस हिस्से में आके रह जा रहा है. तो ये जगह है 10 की. अब मैं क्या देख रहा हूं कि अगर इसकी रेंज उठाई जाए तो वो है मेरे पास में माइनस पाई बाय टू से लेकर प्लस पाई बाय टू के बीच में चल रही है. पर ये यहां से मैं उठाऊं कैसे कि ये वैल्यू ये आ रही है, तो हमें इस वाली पर्टिकुलर लाइन का सहारा लेना पड़ेगा. इस लाइन की इक्वेशन को हम क्या देख रहे हैं, और सब में यही जाएगा, जो इंटरसेप्ट यहां पर है वही इंटरसेप्ट आपका वाई पे भी बनेगा. एक्स एक्सिस पर 3 पाई का इंटरसेप्ट है तो 3 पाई तो मैंने ले लिया, और लाइन का जो नेचर है वो ऑब्ट्यूज्ड एंगल है इसलिए स्लोप माइनस 1. आप इस वाली लाइन को देखिए, इस वाली लाइन में ये 2 पाई है और इंटरसेप्ट नीचे कट होने वाला है, तो लाइन बन जाएगी आपकी एक्स माइनस 2 पाई. अगर कोई वैल्यू रेडियन में मेरी पाई और 2 पाई के 2 पाई से छोटी होती इस लाइन पे होती तो मैं इस वाले हिस्से को उठाता. तो आप देखिए वाई माइनस 3 पाई माइनस एक्स, ये मेरे पास में जगह बनती है जहां पर 10 आता है. तो इस साइन इनवर्स ऑफ या एफ एक्स जो दिया हुआ है इसके प्रिंसिपल वैल्यू चाहिए है, तो साइन इनवर्स ऑफ साइन 10, तो जब मैं ब्रेक करके लिखूंगा तो इस पर्टिकुलर जगह के लिए इसको ब्रेकेज देना पड़ेगा. मतलब कि y की वैल्यू हो गई 3 पाई और x हमारे पास में चल रहा था 10, तो ये आपकी प्रिंसिपल वैल्यू बनती है फंक्शन की बाय ग्राफ. ग्राफ याद होना चाहिए, और ग्राफ ऐसा पूरा याद नहीं करना है आपको, बस ये देख लेना है कि हर एक ट्रायंगल पाई इंटरवल पे चल, और हमें जो रेडियन टर्म दिया है वो कहां लाय करेगा उससे हमें पता चल जाता है कि कौन सी वाली लाइन में एक्स की वैल्यू का इनपुट देना है ताकि प्रिंसिपल वैल्यू को एज अ आउटपुट कंसीडर करवाया जा सके. नेक्स्ट पे देखते हैं.